गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास. टुडे वी विल डू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 7, पॉल्यूशन कॉजेज एंड इफेक्ट्स. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन. हमने लेसन रीड किया था तो उसमें हमने वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और हमने एयर पॉल्यूशन किया था. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं. द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, पहले आपने हेडिंग डालनी है, उसके बाद पॉइंट्स लिखेंगे. नंबर 1, बाथिंग ऑफ कैटल इन रिवर वाटर, नदी के पानी में पशुओं के नहाने से वाटर पोल्यूटेड हो जाता है. सेकंड है, वॉशिंग क्लोथ्स इन रिवर्स, नदी में कपड़े धोने से पानी जो है वो दूषित हो जाता है. थर्ड है, रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द वाटर. इंडस्ट्रियल यानी कि जो कारखानों का वेस्ट होता है, जो कूड़ा वहाँ से निकलता है, वो पानी में बहा देने से पानी दूषित हो जाता है. फोर्थ है, मिक्सिंग ऑफ सीवेज वाटर विद द रिवर वाटर, नदी के पानी में सीवर का जो पानी होता है वो मिक्स हो जाने से भी वाटर पोल्यूटेड हो जाता है. सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ कैन नॉइस पोल्यूशन बी चेक्ड. हम नॉइस पोल्यूशन को, ध्वनि प्रदूषण को किस तरह से चेक कर सकते हैं. नंबर 1, बाय चेकिंग लाउड म्यूजिक विच हैव हाई फाई स्पीकर्स. लाउड म्यूजिक हाई फाई स्पीकर्स को हम चेक कर सकते हैं बाय चेकिंग द साउंड ऑफ मशीनरी एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस. मशीनरी और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साउंड के द्वारा हम चेक कर सकते हैं. एंड बाय चेकिंग साउंड ऑफ व्हीकल्स, और व्हीकल्स के साउंड के द्वारा हम चेक कर सकते हैं. तो ये आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं. उसके बाद हमने लिखना है, दस कैन बी चेक्ड नॉइस पोल्यूशन. इन्हीं के द्वारा हम नॉइस पोल्यूशन को चेक कर सकते हैं. बेटा तो आज आपको ये 1 और 2 क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं, और इन्हें आपने बहुत अच्छे से समझ करके इन्हें आपको लर्न करना है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पॉइंट्स हैं और सेकंड क्वेश्चन के 3 पॉइंट्स हैं, तो आपको ये लर्न होने चाहिए दोनों क्वेश्चंस. ओके, देन हम उसके बाद ही हम अगले क्वेश्चंस करेंगे. पहले आपको ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अच्छे से लर्न करना है. ओके, थैंक यू.